इसके लिए हमें 1 किलो चिकन चाहिए, 12 पीसेस। इसमें 3/4 कप घी पड़ेगा, 2 प्याज कद्दूकश की भी, ये देखें कद्दूकश कर लें प्याज को। फिर मैंने प्याज को एक मलमल के कपड़े में डाल के और अच्छी तरह से उसका पानी निकाल दिया था, पानी नहीं होना चाहिए। ग्रेट की भी प्याज चाहिए विदाउट वाटर, सही। इसकी प्याज अच्छी तरह पकाइए ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए, वरना आप ये कोरमा नहीं खा सकोगे। कच्चापन रहेगा, स्मेल आएगी तो आपको मज़ा नहीं देगा। तो इसको आप कम से कम 8 से 10 मिनट पकाएं ताकि इसका प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए, लेकिन प्याज लाल नहीं होनी चाहिए। पक जाए, हल्का सा पिंकिश हो जाए लेकिन लाल नहीं होना है, ठीक है। सिर्फ लहसुन का पेस्ट जाएगा, 1 टेबलस्पून चिकन डाल रही हूँ, हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, चिली पाउडर 2 टीस्पून। लेवल चूल्हा बंद करेंगे और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप दही। यहाँ पे मैंने शाही बादामी कोरमे को चढ़ा दिया है, ये दही का अपना पानी है। अब इसमें मुझे डालना है धनिया भुना हुआ कुटा हुआ मोटा मोटा 2 टीस्पून, काली मिर्च साबुत लीजिएगा 15 और उसको पीस लीजिएगा, इलायची पाउडर जाएगा इसमें 1/4 टीस्पून, ये जाएगा जावत्री मेस 1/4 टीस्पून, लौंग का पाउडर 1/4 टीस्पून। चूल्हा हल्का करें और इसमें क्रीम डाल दें 1/2 पैकेट। फिर हम इसमें डालेंगे ज़ाफ़रान, केवड़ा, और जब डिश में सर्व करने से पहले 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून बादाम इस तरह से कटे हुए बारीक फ्राई किए हुए। शाही बादामी कोरमा, अज्जा, चिकन 12 टुकड़े 1 किलो, कद्दूकश प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, दही 1.5 कप, घी 3/4 कप, क्रीम 1/2 कप, पिसी जावित्री 1/4 चाय का चम्मच, पिसी छोटी इलायची 1/4 चाय का चम्मच, पिसी लौंग 1/4 चाय का चम्मच, ज़ाफ़रान 1/4 चाय का चम्मच, केवड़ा 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच, पिसी अदरक 2 इंच का टुकड़ा, साबित काली मिर्च पिसी 15 अदद, बादाम स्लाइस 2 खाने के चमचे।